शिव सन कादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान प्रेम आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। में गैब इस्लामी फलसफा के जाहिर का ही बातिन बयान किया गया है और खत भिजवाने वाले ने कियामत और इमामत के जाहिर होने का भी दावा किया है। जनाब, आप तो सुल्तान औरंगजेब के उस्ताद हैं, इसलिए आप ही कहें कि इसमें कुछ गलत तो नहीं लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस खत की तहरीर को कैसे कबूल करूं मेरे आका, इसमें तो कियामत का हाल बयान है, अभी तो हमने दुनिया में देखा ही क्या है। जनाब आला, ये तो अजीम मुकदमा है, इसके लिए सुल्तान हजरत आलमगीर की व तमाम आलम दीन की रजामंदी बहुत जरूरी है, इसलिए आप बाद में तशरीफ लाइए, हम सलाह मशवरा करके आपको जवाब देंगे। ठीक है शेख साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। हे धामधनी, बादशाह के दरबारियों से संपर्क करने पर भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पा रहा है। आप व्यथित ना होइए लालदास जी, कली दज्जाल अत्यंत बलवान है, निरंतर धैर्य और विश्वास पूर्वक प्रयास करते रहने से हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। श्री जी, कृपया आप हमें कली दज्जाल के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जैसी आपकी इच्छा, आप दोनों स्थान ग्रहण कीजिए। इस संसार में कोई भी मनुष्य अपना बुरा नहीं चाहता, सभी प्रेम शांति एवं आनंद के मार्ग पर ही जाना चाहते हैं, परंतु कलयुग के प्रभाव से न चाहते हुए भी वे बुरे कर्म कर बैठते हैं। उसने सबकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया है कि किसी के भी दिल में नेकी की चाहत व बुरे कर्मों का डर नहीं रहा। कतेब परंपरा में कलयुग को ही शैतान या दज्जाल कहते हैं। या मुर्शिदे पाक, आपका इल्म
बेमिसाल है। आज किस्मत से आपका दीदार हो गया। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? जी हुजूर, मैं सूरत का एक कारोबारी हूँ। अभी आपने जो कलयुग दज्जाल के बारे में कहा है, उससे संबंधित मेरे पास दज्जाल नामा नाम की एक किताब है, जिसमें दज्जाल के बारे में बहुत विस्तार से बयान किया गया है। अच्छा, तो क्या आप हमें वो किताब दे सकते हैं? उसकी जो भी नेछावर होगी हम आपको दे देंगे। जी हजरत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा का ऐसा मौका तो किस्मत से ही मिलता है। आप बस परवरदिगार से मेरे लिए दुआ कीजिए और किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। ये तो बहुत ही नेकी का काम होगा लालदास जी। आप इन साहब के साथ जाइए और वह किताब लेकर आइए। जैसी आपकी आज्ञा धामधनी जी। जाइए। चलिए जनाब। लालदास जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं वो किताब लेकर आता हूं। जी जनाब। हे नादान, यह क्या कर रहा है? एक बैरागी के हाथ में ये किताब दे रहा है? जानता नहीं कि यहाँ कट्टर शरीयत का कानून है? जरा सोच कि अगर इस किताब का जरा भी गलत इस्तेमाल हुआ और हुक्मरानों को इस बात का पता चल गया कि यह किताब तूने दी है, तो तेरी खैर नहीं होगी। क्या हुआ भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? कहीं आपका किताब देने का इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो दज्जाल नामा मुझे मिल नहीं रहा। तो फिर ये कौन सी किताब है? जनाब, ये तो तफ़सीरे हुसैनी है। अच्छा, क्या लिखा है इसमें? इसमें कुरान मजीद का फारसी में अनुवाद और व्याख्या है। यह किताब मशहूर बुजुर्ग मवाहिब आलिया हजरत मौलाना कमालुद्दीन हुसैन बिन अली वाइज कश्मी के द्वारा लिखा गया है। ये किताब हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। तब तो ये किताब हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप मेहरबानी करके हमें यही किताब दे दीजिए। माफ कीजिए जनाब, ये किताब मैं आपको नहीं दे सकता। ये किसी की अमानत है। वैसे आप अभी तशरीफ ले जाइए। मैं वो दज्जाल नामा किताब तलाश करके रखूंगा और जैसे ही वो मिल जाएगा मैं खुद आकर आपको पेश कर दूंगा। प्रियेश्वर, मुझे तो लगता है कि उस सौदागर का विचार ही बदल गया है। पहले तो वो बड़े ही ध्यानपूर्वक उस किताब को ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे किताब मिली वो सोच में पड़ गया और कहने लगा कि वो किताब दज्जाल नामा नहीं है बल्कि तफ़सीरे हुसैनी है। तफ़सीरे हुसैनी? जी हाँ। क्या उसने उस किताब के बारे में आपको कोई जानकारी दी? जी हाँ, उसने बताया कि इस किताब में कुरान शरीफ की फारसी में व्याख्या है। हैरात के मशहूर मौलाना कमालुद्दीन हुसैन ने तैमूर बादशाह के शहजादे को जो शिक्षा दी थी उसको ही इसमें लिखा है। लालदास जी, आप जैसे भी हो उस सौदागर से वो किताब लेकर आइए। धामधनी जी, मैंने भी उसकी बात सुनकर किताब देने के लिए उसे निवेदन किया, किंतु उसने फिर बहाने बनाते हुए किताब देने से इनकार कर दिया। श्री जी साहब,
इस सेवा का अवसर आप मुझे दीजिए, मैं आपके आशीर्वाद से किसी भी तरह से वो किताब ले आऊंगा। ठीक है दयाराम जी, आप उस किताब को शीघ्र अतिशीघ्र लाने का प्रयास कीजिए। यदि ऐसा हो पाया तो ये आपकी बहुत बड़ी सेवा होगी। कहिए जनाब, क्या तलाश है? जी मुझे एक किताब तफ़सीरे हुसैनी चाहिए। जी ऐसा है, मेरे एक पुराने कारोबारी दोस्त मिर्ज़ा साहब हैं, उन्होंने खत लिखकर मुझसे यह निवेदन किया है कि मैं उनके लिए तफ़सीरे हुसैनी खरीद कर उन्हें भिजवा दूं। अब दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, क्यों, ठीक है ना जनाब? ये रही आपकी किताब, इसकी कीमत 40 रुपए है। जी कुछ छूट मिल जाती तो अच्छा होता, आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ। भाई इस किताब पर तो हमें 2 रुपए ही बचते हैं। चलो आप 2 रुपए कम ही दे दो, मैं समझूंगा मैंने भी कुछ सवाब कमा लिया। अब आप खुश हैं? जी शुक्रिया जनाब। प्रणाम धाम धनी, आपके आशीर्वाद से तफ़सीरे हुसैनी किताब प्राप्त हो गई है। कुरान तफ़सीर हुसैनी, बुजरक यह पेड़ से कहनी। दयाराम जी, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुल्ला साहब जी, आप इस किताब को पढ़कर इसका अर्थ सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस खुदा के नाम से जो निहायत रहम वाला है। इन्ना अंजिलनाहु फिलैल तुल कद्री, यानी शबे कद्र, यानी शर्फ और इज्जत वाली रात। इसमें जो कोई इबादत करता है वो मौजिज़ और मुशर्रफ हो जाता है। कद्र की रात बेहतर है 1000 महीने से। कि बनी इसराइल के योद्धा ने 1000 महीने धर्म युद्ध किया, उस शख्स के वास्ते बेहतर है जो उस रात को पाए और इबादत में फज्र कर दे। उस रात को फरिश्ते रूहों समेत जमीन पर आते हैं खुदा के हुक्म से, एक बड़े काम को जिसका खुदा ने हुक्म फरमाया है। उन पर सलामती है सब परेशानियों से शबे कद्र की सुबह होने तक। प्यारे सुंदर साथ जी, ये रात्रि दुनिया की रात्रि नहीं है। ये रात्रि हक ताला ने मोमिन रूहों को एक लम्हे में दिखलाई है।
ये रात्रि नूर से पूर बहुत बड़ी है, हजार महीनों से भी ज्यादा, यानी 83 साल और 4 महीने का समय। 10वीं सदी के बाद जब अर्शे अजीम से रूहें और नजदीकी फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया का खेल देखने अवतरित हुए हैं। कायमुल्ला जी, आप आगे कुछ और भी पढ़कर सुनाइए। सूर्य कौसर इन्ना अतेना कल कौसर, यानी हमने तुमको कौसर अता फरमाया है। बहुत मशहूर हदीस में ये बात है कि हौज कौसर की सैर महीने भर की राह है, उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद, उसकी खुशबू अंबर कस्तूरी से बेहतर है। उस हौज का पानी सितारों की तरह रोशन है। हदीस में है कि कौसर के किनारे जवाहरात से जड़ित और उसकी खाक में मश्क से भी ज्यादा खुशबू और बर्फ से भी ज्यादा सफेदी है। जो भी इस हौज का पानी पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, ये उस अलौकिक हौज कौसर का वर्णन है जिसका निर्मल जल दूध से भी अधिक उज्जवल है, मिश्री से भी अधिक मीठा और कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित है, जिसके किनारे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित हैं। इसके पवित्र जल में सभी रूहें अनादि काल से इश्क व आनंद की लीला करती रही हैं। आगे और सुनाइए कायमुल्ला जी। महामत कहे मोमिनो लो हकीकत कुरान, ढूंढो फिर के नाजी को जो है साहिब ईमान। इस बीच हम सुंदर साथ सुल्तान के कई करीबी विशिष्ट व्यक्तियों दीवान रिजवी खान, उस्ताद शेख निजाम आदि से बादशाह से मुलाकात करवाने के लिए निवेदन करते रहे, किंतु किसी ने भी हमारी बातों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। तब श्रीजी ने हम सभी सुंदर साथ से मिलकर विचार विमर्श किया कि बादशाह औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, हम आज ये विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि इन परिस्थितियों में बादशाह तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे लालदास जी? हमने ये अनुभव किया है कि बादशाह औरंगजेब के नजदीकी काजी और दरबारी हमारी बातों को समझ तो जाते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे स्वीकार नहीं करते हैं। संसार में सदैव ही सत्य और असत्य के बीच संघर्ष की स्थिति रही है, लेकिन हमेशा विजय सत्य की ही हुई है। इसीलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? हमें युक्ति से काम लेना होगा। बादशाह के 5 नजदीकी दरबारी हैं, काजी शेखुल इस्लाम, शेखुल निजाम, आकिल खान, दीवान रिजवी खान और कोतवाल सिद्दीक फौलाद, उन्हें कान्हजी भाई डाकिये के रूप में हमारा संदेश पहुंचाएंगे और उन सब से उसका जवाब भी लिखित रूप में मांगा जाएगा। जो आज्ञा धाम धनी जी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। जब श्री प्रहलाद जी ने मुझे चमत्कारिक रूप से अहमदाबाद में
फांसी से बचाया था तो मुझे किस बात का डर। शाबाश कान्हजी, तुम्हारी सेवा भावना सबके लिए प्रेरणादायी है। कायमुल्ला जी, मैं जैसा कहता हूं आप वैसा लिखते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके सामने कयामत व इमामत का अजीम मुकदमा पेश है, लिहाजा गौर व फिक्र के साथ इन बातों का सहूर करें, जिससे कि दीन इस्लाम में ताजगी आए और सारी दुनिया को एक हकीकी दीन यानी सत्य धर्म के सीधे रास्ते पर चलाया जा सके। पाक मस्जिद नबवी से आए वसीयत नामों से ये बात साबित है कि पाक कलाम मस्जिद व हदीसों में जिन शख्सियतों यानी हजरत ईसा रूहल्लाहू व आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़्ज़मा के प्रकटन की बात कही गई है, लिखा आपने, वो वायदा 1100 साल यानी 10वीं व 11वीं हिजरी में पूरा हो गया है। साथ ही इल्मे लदुन्नी का वो खजाना भी जाहिर हो गया है, जिससे कि कलाम मस्जिद में शामिल तीनों तरह के हरूफों यानी हरूफ मुक्तात, मुत्शाबिहा तथा मुहकम का जाहिरी व बातिनी मायना बयान हो रहा है और दुनिया में हकीकी दीन की एक खुशबू फैलने को बेताब है। कयामत की निशानियां प्रकट हो गई हैं, याजूज माजूज भी जाहिर हो गए हैं, जो दिन व रात के रूप में दुनिया के काल हैं। अज्ञानता का स्वरूप दज्जाल काना भी आ गया है, जो आत्मिक दृष्टि से रहित है, मगरीब से बिना रोशनी का सूरज निकल गया है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी के रूप में दाबतुल अर्ज जानवर भी प्रकट हो गया है। असराफिल फरिश्ता इल्मे लदुन्नी का सुर फूंक रहा है। यदि आप इस सत्य हकीकी दिन की नूरी दौलत से माला माल न हो सके तो रोजे हश्र को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत क्यों कर व कैसे हासिल करेंगे। अब आप अक्ल व फहम से इन बातों का सहूर करें और जवाब दें कि हम कौन हैं और यहां पर कहां से आए हैं, हमारा मूल वतन कहां है, हम अर्श के किस तरफ हैं, ये 14 तबक अर्श के पूर्व में है या पश्चिम में है, जवाब का मुंतजर। दस्तखत बकलम खुद फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम।
कायमुल्ला जी, आप इस खत की 5 नकलें तैयार करें और कानजी भाई को दे दे। कानजी भाई, पैगाम पहुंचाने के लिए आप शीघ्र जाने की तैयारी करें। जो आज्ञा धाम धनी जी। लालदास जी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानजी भाई के पीछे हमेशा 2-3 सुंदर साथ रहने चाहिए, इसकी व्यवस्था आपको देखनी है। जी, आपके निर्देश का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। ओ देखो, वो सामने वाला घर शेख इस्लाम का है। ठीक है, मैं जाता हूँ, आप दोनों यहीं रुक के मेरे आने की प्रतीक्षा कीजिए। जनाबे अली, ये गुलाम एक खत लेकर हाजिर हुआ है, मेहरबानी करके इसे पढ़ने के बाद इसका जवाब भी लिख कर दे दें। हजरत ईसा रुहल्लाहु व आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिबुस्समा का ज़हूर हो गया है, इल्मे लदुन्नी का गैब खजाना भी जाहिर हो गया है, क्यामत की निशानियां जाहिर हो गई हैं। सैयद मोहम्मद इब्न ए इस्लाम, तुम कौन हो और ये पैगाम कहां से लेकर आए हो? जनाब, मैं तो एक डाकिया हूँ और लोगों से मेहनताना लेकर उनके खत पहुँचाने का काम करता हूँ। ये खत मुझे एक बुजुर्ग फकीर साहब ने देकर भेजा है, जो यहीं पास ही के एक पहाड़ी पर रहते हैं। अच्छा, ये तो बताओ, इस तरह का खत सिर्फ मेरे लिए ही आया है या किसी दूसरे के लिए भी आया है? जी, उन बुजुर्ग फकीर साहब ने ऐसे और भी 4 खत भिजवाए हैं, जिन्हें अन्य दरबारियों के पास भी पहुंचाना है। जरा हम भी तो सुने कि ऐसे खत और किन किन दरबारियों को पहुंचाने हैं। हजरत, वे 4 खत शेख निजाम साहिब, जनाब रिजवी खान, जनाब अकील खान और जनाब सिद्दीक फौलाद को देने हैं। तो ठीक है, पहले तुम उन सबको ये खत दे आओ और उनके जवाब मुझे लाकर दिखाओ। इंशाअल्लाह फिर मैं भी अपना जवाब जरूर दे दूंगा। भाई, शेख निजाम साहिब घर में हैं क्या? हाँ हैं। कहिए, आपको उनसे क्या काम है? जी, मैं एक संदेशवाहक हूँ और उनके नाम का एक खत लेकर आया हूँ। आप वो खत मुझे दे दीजिए, मैं हजरत साहब को दे दूंगा। मुझे तो इस खत का जवाब भी वापस पहुँचाना है, इसलिए मेहरबानी करके आप शेख निजाम साहिब से इस खत का जवाब भी लिखवा लाइए। बेहतर है, आप इंतजार कीजिए। आसारे कियामत और इमामत के बारे में लिखकर किसने भेजा है तुम्हें? जी जनाब, एक फकीर ने। कौन फकीर? क्या तारुफ है उनका? जी जनाब, उन्होंने अपना परिचय फकीर सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम बताया है और वो पहाड़ पर एकांत स्थान में रहते हैं। क्या उन्होंने ऐसे खत किसी और के लिए भी भेजा है या सिर्फ मेरे लिए ही भेजा है? फकीर साहब ने ऐसे कुल 5 खत दिए थे, जिनमें से एक काजी शेख उल इस्लाम साहब को पहले ही दे आया हूँ,
दूसरा खत आपका था और बाकी के तीन खत जनाब आकिल खान, जनाब रिजवी खान और जनाब सिद्दीक फौलाद के नाम से है। ऐसा करो, तुम उन्हें भी खत दे आओ, फिर हम सब मिल करके इसका जवाब दे देंगे। जी हुजूर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब एक खत आपके लिए एक फकीर साहब ने भिजवाया है और हाँ उन्होंने इसका जवाब भी मंगवाया है। इस तरह से कियामत के निशानात लिखकर फकीर साहब ने इमामत का दावा किया है। मुझे इस गंभीर मामले में शामिल होने से बचना होगा और हिकमत से काम लेना होगा। लेकिन भाई इस खत पर मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है, फिर मैं कैसे मानूं कि यह खत मेरे लिए है? ओह मुझसे गलती हो गई, उन फकीर साहब ने तो इस खत में आपका नाम लिखने के लिए कहा था लेकिन मैं ही भूल गया। नहीं जनाब एक खत आप वापस ले जाइए, मैं यह खत नहीं रख सकता। मेरा यकीन कीजिए जनाब, ऐसे ही खत मैंने काजी शेख उल इस्लाम साहिब और उस्ताद शेख निजाम साहिब को भी दिया है। उन खतों पर भी उनके नाम नहीं लिखे थे लेकिन उन्होंने ले लिए। मैं अकील खान मुआफिजा कुरान हूँ और अपने उसूलों का पक्का हूँ, मैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करता। ऐसे मत कहिए जनाब, ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है, आप इसका जवाब नहीं देंगे तो मैं फकीर साहिब से अपनी मेहनत के पैसे कैसे प्राप्त कर सकूंगा? जब खत में मेरा नाम लिखा ही नहीं है तो मैं इसे क्यों लूं? अब मेहरबानी करके जाओ यहाँ से, मुझे बच्चों को तालीम देना है। कयामत आ गई है जाहिल कहीं का। जनाबे आली आप तो सुल्तान के दीवान और सलाहकार हैं, आप हमारा काम जरूर करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे वादा तो नहीं करता लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। आदाब हुजूर, ये काशिद आपके लिए खत लेकर आया है और कहता है कि आपके हाथ में देगा। लाओ वो खत कहाँ है? ये लीजिए हजरत, खत भिजवाने वाले फकीर साहब ने इसका जवाब भी मंगवाया है। कासिद तुमने और किस किस को ऐसे खत पहुंचाए हैं? जी जनाबे आली, आपको मिलाकर कुल तीन लोगों को मैं ऐसे खत दे चुका हूं। इसके बाद चौथा खत शहर कोतवाल सिद्दीक फौलाद साहिब को जाकर देना है। तो ठीक है, तुम उनके पास भी खत पहुंचा दो और सबका जवाब लेकर मेरे पास आओ, फिर इंशाल्लाह मैं भी जवाब दे दूंगा। शुक्रिया जनाब। Thank you.
कर दो। तेरे साथ और कौन कौन था? वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रहम करो। तू मुझे नहीं जानता। तुझ जैसे लोगों के लिए मैं वो सलसला हूँ जिसे सिर्फ देख लेने से ही क्यामत आ जाती है। ओए नामुराद, कौन है तू और यहाँ कैसे आ गया? जनाब, मैं कासिद हूँ और हुजूर की खिदमत में एक खत लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दे दे सिपाही को और दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन हुजूर आली, खत भिजवाने वाले फकीर साहब ने इसका जवाब भी मांगा है।